तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में और यहाँ पे अभी सारे लोग आ चुके हैं हमारा सामान लेने के लिए। तो चलते हैं, मेरी हालत हो रही खराब और वीडियो बनाना भी जरूरी है। यहाँ पे हमारी बहन ज्योति पहुंच चुकी है हमारा सामान लेने के लिए। यहाँ पे हमारा सामान भी आने लग गया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर में पहुँच चुके हैं और दाल पिसाई और पिटू कुटाई शुरू हो चुकी है। तो सभी को दिखाते हैं और वहाँ पे जाके मैं तो नहीं बनाऊँगी, किसी के पास फ़ोन दे देती हूँ और कोई ना कोई वीडियो शूट कर ही देगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको भी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि प्रॉपरली मैं हर टाइम वीडियो नहीं बना सकती हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे मौका मिलेगा मैं बनाती रहूँगी। फिलहाल आप ना एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके सारे मेहमान आने लग गए हैं और आधे मेहमान पहुंच चुके हैं। तो चलिए, चाचा जी लोग आए हुए हैं, मेरे बुड्ढी के बेटे लोग, तो उनसे को टीका वगैरह किया जा रहा है, तो उनको भी दिखाते हैं आपको। फूलों की बाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी हवा चली, दोस्तों फाइनली रात के बज चुके हैं 7:15 और आज मेरी शादी के दाल और अरसे बन चुके हैं। मैंने सोचा था घर आते ही मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, वैसी वीडियो बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, बट हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ना गाड़ी में, मैं दिल्ली से ही वॉमिटिंग करते हुए आ रही थी और इतना ज़्यादा सर चकरा रहा था कि कुछ भी नहीं बन पाया। मैं सुबह से उस टाइम से लेटी हुई थी, अब जाके थोड़ा सा हिम्मत हुई तो सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अपने जब मैंने सबकी शादी में वीडियो बनाई है तो अपने शादी का क्यों ही छोड़ो। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों को इंतज़ार है था मेरी शादी का, तो मैंने सोचा उनको, उनके तक तो दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ। और अभी देखते हैं, बताती हूँ मैं कि क्या कर रहे हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पे मेरे नाना नानी काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे, है ना नानी? हेलो हेलो हेलो। तो नानी पहुंच गई थी, कब नानी? हेलो। किस दिन पहुंचे आप? हम तो पहुंचे 5 बजे। नहीं, कितनी तारीख, कितने दिन, कितने तारीख? 11 तारीख। हाँ, तो नानी लोग 11 तारीख को आ गए थे। आज 7 दिन हो गए। नानी आपको मेरी शादी के बाद मेरी याद आई कि नहीं आई? हाँ आई। आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी। कितनी? बहुत ज्यादा। मुझे तो नहीं आएगी। तो मैं अपने, तो अब मैं आपको ना अपने नाना जी लोगों से भी मिलाती हूँ। यहाँ पे रहे मेरे नाना। नाना हेलो। माँ का गाना।
और कई मैं ना नाना से ज्यादा गोरी लग रही हूँ दोस्तों, देखिए लग रही हो कि नहीं लग रही है ना नाना? नाना अपने कपड़े ठीक करने लग गए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे रहे हमारी आलसी मामा जी, जो कि कुछ काम नहीं करते हैं, सुबह से लेटे हुए हैं। कृपया करके काम कीजिए, है ना वो नानी? है? काम नहीं कर रहे मामा ना? कर रही थी मजाक। अब चलते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं कि और सभी लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे रहा हमारा घर, अच्छा लग रहा है ना? तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, जहाँ पे कि बन रहा है सभी लोगों के लिए खाना, और नीचे ही सारे लोग हैं तो वहीं पे चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना के आते हैं। तो यहाँ से चलते हैं आगे, जहाँ पे कि सभी लोग रोटी मिलकर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनाई जा रही हैं सभी के द्वारा मिलकर रोटी। इधर आगे बनाए जा रहे हैं अरसे पकौड़े। चाचा नमस्ते। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी कर रही है रोटियों को सेकने का काम, और कानी को ड्यूटी दी गई है तवे में सारी रोटियों को डालने का। देखिए किस प्रकार है हमारी कहानी, मल्टी टैलेंटेड। कानी को कई सारे लोग मिस कर रहे थे और सभी कह रहे थे कानी क्यों नहीं आ रही आजकल वीडियो में, बट उनको क्या पता हम इधर उधर ही घूम रहे हैं तब से। यहाँ पे रही कानी की मम्मी ज्योति और दादी, कोई गोली बना रहा है और कोई बेल रहा है। इसी प्रकार से सारे लोग गांव में मिलजुल कर कार्य करते हैं। और अब रोटियां ऐसे बनी चुकी हैं लगभग लगभग, फिर इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे या फिर देखते हैं फिर क्या होता है उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों हमारा खाना बन चुका है और अब बारी है सभी को खाना देने की। तो दोस्तों हम सभी का खाना पीना हो चुका है, अब बारी आती है मामा लोगों का टीका लगाने की। हमारे गढ़वाली रीति रिवाजों में मामा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है शादी में। जो मामा होते हैं उनको ही पहला पौना कहा जाता है, इसलिए जो पहला शादी का कार्ड जाता है वो भी मामा लोगों को जाता है। शादी का जो पहला शगुन लगता है वो भी मामा लोगों को लगता है, और जो न्योता वगैरह लिखाते हैं सबसे पहले मामा लोग ही लिखाते हैं। अभी मामा लोग तो आ गए थे बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी मामा लोगों का टीका वगैरह हो रहा है तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। पहला पौना मामा होता है इसलिए। तो यहाँ पे बड़े मामा जी को भी अभी टीका लगाया जा रहा है। छोटे मामा जी से शुरुआत हुई क्योंकि मामा कल आ गए थे, और अब नानी जी को लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए मेहंदी के ब्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। और अपना ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जल्दी से जल्दी शादी में पहुँचने का भी कष्ट कीजिएगा, जरूर आएगा शादी में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, कल मिलते हैं नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।